तो बुलेट की रफ्तार से दिखाई गई खबरों के बाद अब रुख करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। बता दें, भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनातनी के बीच अब बोफोर्स का मुंह भारतीय सेना ने चीन की तरफ मोड़ दिया। अब भारत की सैन्य कूटनीति के आगे अब चीन के तेवर में भी नरमी आई है। भारत को आंख दिखाने वाला चीन अब शांति की भाषा बोलने लगा है। इसके साथ ही गलवान घाटी में चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे खिसक गए हैं और चीन की चाल उसी पर भारी पड़ गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख में लैब के पास पिछले कई हफ्ते से हेकड़ी दिखा रहे चीन का दिमाग ठिकाने आ गया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि चीन के बोल ही बदल गए। ड्रैगन की अकड़ ढीली पड़ गई। चीन की हेकड़ी गुम। गलवान घाटी में पीछे हटा ड्रैगन। चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनाव कुछ कम हो गया है। यहां चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत की सेना ने भी अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर पीछे कर ली है। हालांकि पैंगोंग झील के पास दोनों सेनाएं फिंगर फोर्ट इलाके में कई हफ्ते से आमने सामने डटी हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत और चीन के बीच 6 जून की वार्ता अहम है। यहां इस पर बात हो सकती है। आपको बता दें कि अब सेना की ओर से युद्ध का फरमान सुनाने वाले जिनपिंग की ओर से सुलह की बात की जा रही है। लद्दाख में जिस चीन ने भारत को दबंगई दिखाते हुए आंखें दिखाई, वो अब नजरें झुका रहा है। लद्दाख के उस पार लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चीन अब सब कुछ काबू में होने की बात कह रहा है। चीन के विदेशी प्रवक्ता झाओ लियान के सामने एक प्रश्न उठा कि उनकी जुबान से शांति के फूल झड़ने लगे। उनसे पूछा गया कि भारत और चीन के बीच तनातनी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत पर उनका क्या कहना है। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की स्थिति स्थिर और स्पष्ट है और दोनों देशों ने अपने अपने नेताओं के बीच बनी आम सहमति ईमानदारी से लागू की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। India and China, is that what you're talking about? Yes. Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people, two countries with very powerful militaries, and India's not happy and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत पर पता चला है कि उनका मूड दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के पास 1-1 अरब 40-40 करोड़ की आबादी है। दोनों के पास काफी मजबूत सेना है। भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं। मैंने पीएम मोदी से बातचीत की और चीन के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर उनका मूड ठीक नहीं है। ट्रंप से मध्यस्थता की पेशकश को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं ये कर सकता हूँ, अगर उन्हें लगता है कि मध्यस्थता से मदद मिलेगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े होने के सबूत दे दिए। दरअसल बीते मंगलवार को ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। वहीं भारत को G7 की सदस्यता का न्योता भी दिया और पीएम मोदी से कहा कि वो सितंबर में होने वाली बैठक में शामिल हो। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारत और अमेरिकी की बातचीत महत्वपूर्ण होगी।
इस बातचीत से चीन में खलबली मच गई है कि कोरोना पर उसके कूटनीति पर पूरे देश में घेराबंदी की जा रही है और ऐसे में वो भारत से तनातनी कम करना चाहता है। उम्मीद है कि 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत होगी तो उसका गुरूर और कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।